हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए जाते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आ चुका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बॉन्टिंग एंड बेस्ट, ऑप्शन बी जेनर ने, ऑप्शन सी लाइनर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉन्टिंग एंड बेस्ट ने खोज की थी इंसुलिन की। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आयरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आँख का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आयरिस, ऑप्शन डी लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्र दान में। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी एक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार बल्ब पाए जाते हैं मानव हृदय में। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूटीन प्रोटीन, ऑप्शन बी कैसिन प्रोटीन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन प्रोटीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी और ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कैल्शियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वाधिक दूध में कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घाव भरने वाला कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी लीवर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूण में खून कहाँ बनता है? दोस्तों आपको बता दूं, भ्रूण बच्चा होता है जो माँ के पेट में होता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर में रक्त बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशरूम एक क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी
बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मशरूम एक कवक है। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी होती हैं? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100। दोस्तों अक्षीय कंकाल में हमारी टोटल हड्डी 80 होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए दाल में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी अंडा में, ऑप्शन डी चावल में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी मेल्टोज, ऑप्शन सी फैक्टोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हीमाटोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन दो वीडियो में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।